सुभाष, वो नंबर याद है जो मीरा ने मरने से पहले अपने हाथ में लिखा था? उस गाड़ी का पता चल चुका है, वो गाड़ी जहां से खरीदी उसका भी पता लग गया है। तुम जल्दी आ जाओ यहाँ। आप उसको सजा देना चाचू। दो दिन पहले एक लड़की और दो आदमियों ने यहाँ से वैन खरीदी थी। सारे डॉक्यूमेंट्स बोगस निकले। यहाँ का एक भी सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा, पर हाँ एग्जिट का एक छोटा सा फुटेज मिला है हमें, लेकिन उसमें भी किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। सर जरा यहाँ पॉज कीजिए, थोड़ा रिवाइंड कीजिए, स्टॉप, जूम कीजिए। ये टैटू कहीं देखा है? भरत, भाई के मौत के दिन मैंने इसे घर पर देखा था, ये कौन हो सकती है? तुम्हारे रिलेटिव्स के अलावा वहाँ पार्टी वर्कर्स थे, अगर कोई अनजान लोग थे तो वो प्रेस और टीवी मीडिया के लोग थे। जहाँ तक मुझे याद है एंट्री पॉइंट पे सबने साइन किया। वो देखो, बहुत गौर से देखना, वही है ना? वो अंदर आई थी पर वो दूसरे जर्नलिस्ट के साथ बैठी नहीं। भाई के सुसाइड के बाद सब लौट गए, फिर वो अंदर से बाहर आकर भीड़ में कहीं गुम हो गई। सबके साथ आई थी वो और उन्हीं के साथ बाहर चली गई, पर बीच के 15 मिनट वो मिसिंग थी, ठीक मेरे भाई की मौत के समय। ये लड़की, गुप्ता जी, मीरा, भैया, इन तीनों की मौत में ये लड़की एक कॉमन फैक्टर है। टॉप न्यूज चैनल की रिपोर्टर मालती के साथ पार्ट टाइम फोटोग्राफर बनकर आई थी। अगर हमें मालती मिल जाए तो ये भी मिल जाएगी। सर, हमने न्यूज चैनल जाकर इंक्वायरी की, जिस मालती की आपने बात की थी वो 2 दिन से ऑफिस नहीं आई। ऑफिस नहीं आ रही, क्यों? ये पता नहीं चला सर। आपके भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई थी पर उसकी लाश ही वापस घर आई। वो स्कूटर पर थी, पीछे से एक ट्रक ने उसे बुरी तरह से कुचल डाला। क्या इसी दिन के लिए उसे बाल पोस के बड़ा किया था? भाई साहब, उनकी कोई फ्रेंड है जिनकी गर्दन पर एक टैटू है? वो लड़की जिसकी गर्दन पर टैटू जी, 2 दिन पहले उससे दोस्ती हुई थी, बहुत प्यारी बच्ची थी। आपके भाई की मौत के दिन वो लड़की मालती के साथ फोटोग्राफर बन के गई, पर उसके बाद फिर कभी नहीं आई। भाई साहब, आपकी बेटी की कोई डायरी या फोन मिल सकता है हमें चेक करने के लिए? मालती को डायरी लिखने का शौक नहीं था, एक्सीडेंट के दिन उसका फोन टूट गया था। सुभाष, इस केस में अब हमारी आखिरी उम्मीद ये फोन ही है। बहुत चालाक है, फोन को फॉर्मेट कर चुकी है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मुझे लगा ही था, गूगल ड्राइव में हमेशा बैकअप रहता ही है, उसकी ईमेल से ट्राई करो। ओके। यस, फाइल्स का बैकअप मिल गया, कॉपी कर लो। व्हाट? ये लड़की बहुत स्मार्ट है, हमसे एक कदम आगे चल रही है। सारा का सारा डेटा हैक कर रही है वो, आखिरी की जितनी भी फाइल्स थी वो पहले डिलीट की। इसे ढूंढना तो बहुत मुश्किल होगा। ढूंढ निकालेंगे, उसकी यूजर लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश करो। श्योर। मेक्सिको, मतलब वो वही है। ईरान, इंडोनेशिया, लंदन, श्रीलंका, एक साथ 5 लोकेशन। She is brilliant. हमें कंफ्यूज करने के लिए प्रॉक्सी सर्वर यूज कर रही है। इन 5 लोकेशन में से एक लोकेशन सही है, पर कौन सी है ये बताना मुश्किल है। लंदन। कैसे पता चला? तुम्हें वो रजिस्टर साइन करने वाला फुटेज याद है? उसमें मैंने उसका मोबाइल फोन देखा था, उसमें 2 टाइम ज़ोन्स दिखा रहे थे, 4.5 घंटे का डिफरेंस था। इन 5 लोकेशन में से 4.5 घंटे की डिफरेंस वाली जगह और कोई नहीं, लंदन ही है। मेरे भाई की मौत के दिन लंदन जाने वाले जितने भी पैसेंजर्स हैं उनकी लिस्ट चेक करो, उसका पता चल जाएगा। सर, उसी दिन वो लड़की ब्रिटिश एयरवेज से लंदन गई थी, उसके सारे डिटेल्स इस फाइल में हैं सर। उसका नाम कायरा है, शी इज अ प्रोफेशनल किलर, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बाय द इंटरपोल। जहां तक पता लगा है वो लंदन में बेस्ड है, पर ना उसके ठिकाने का पता चला है ना अगले टारगेट का। अब वो मेरी टारगेट है, पर बिना किसी क्लू के उसे ढूंढोगे कैसे? और तो और उसका पासपोर्ट भी नकली है, फेक है, जाहिर है उसमें लिखा हुआ एड्रेस भी फेक होगा, कैसे ट्रेस करोगे? आई हैव नो ऑप्शन, भागने वाले की पूरी दुनिया है और पीछा करने वाले का एक ही रास्ता।
एंडी, बिजली का खंबा किसने काटा यहाँ पर? लगता तो इंसान ही है। यस, व्हाट डू यू वांट? कायरा 1812-79 क्राउन स्ट्रीट, करेक्ट? एड्रेस में तो कोई लोचा नहीं है, लेकिन जिस लड़की को ढूंढ रहे हो वो यहाँ पर नहीं। तुम इंडिया से हो? क्यों, मुंह से निकली हुई भाषा तेरे कान में घुसी नहीं? पूरा देश ही इंडियन हो। आमचे मुंबई, क्या लोचा है? वो मैं मुझे किसी ने एड्रेस नहीं मारने का, वो बुढ़िया है। ए दादा, दरवाजा बंद कर। अच्छा मेरी बात सुनो, उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? अरे भगवान कसम, मैं उस लड़की को नहीं जानता। तेरे से पहले भी चार लोग आए थे उसका पता करने, लेकिन पता नहीं उनके साथ क्या हो गया, सीधे टपक ही गए। वैसे तू भोले भाले परिवार का लगता है। मेरी बात मान, टिकट निकाल और कल्टी मार। वैसे तू उछलेगा तो भी इंडिया पहुंच जाएगा। अरे तुम भी इंडिया से हो ना, इसी नाते मेरी हेल्प नहीं करना चाहोगे? अरे जॉब वॉब छोड़ के उसको ढूंढने में लग जाऊं क्या? हाँ, रास्ते में कॉफी पिला सकता हूँ, बस बिल पे कर देना। अरे कुछ नहीं है रे, बेडरूम में चल। लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, आई एम सुभाष। पता है रे, इंडियन आर्मी में कर्नल है ना, 2013 बैच, ऊटी रेजिमेंट, और फोन नंबर है 9444131157, और देहरादून के केनरा बैंक में अकाउंट है, पल्ली से है, पापा तमिलनाडु के सीएम है। इतना काफी है, पूरी जन्म कुंडली बताऊं तुझे कैसे? अबे लोगों की ई कुंडली निकालना ही तो मेरा धंधा है, आई एम अ प्रोफेशनल हैकर। शक्ल से तो नहीं लगता। क्यों, हैकर का थोड़ा स्पेशल होता है क्या? जॉनी लिवर का ससुर लग रहा है, इसीलिए तो मैं लोगों की मदद करना नहीं चाहता, समझा? वैसे मेरे घर पे जो तूने डोरबेल बजाई थी ना, उसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर था, जैसे ही तूने बटन दबाया ना तो तेरी पूरी हिस्ट्री मेरे सामने आ गई। अब समझ में आया? तो एक लड़की को ढूंढना तेरे लिए बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। जितना आसान समझता है ना उतना है नहीं। नेट से शार्क पकड़ना चाहता है ना तो चारा चाहिए, बोले तो डेटा नाम की इन्फॉर्मेशन, समझा? शाम को इंडिया के लिए फ्लाइट है, फुट ले जल्दी। क्या हुआ, बुखार आ गया? वो बुड्ढा बुड्ढी याद है जो तेरे फ्लैट के बगल में रहता है? वो मेरे मकान मालिक है, उनसे क्या काम है तेरे को? उनका फोन नंबर चाहिए था। तेरी टेस्ट इतनी चेंज हो गई? जब तेरा डोरबेल बजाया मैंने, हाँ, तुझसे पहले उन्होंने दरवाजा खोला। देख भाई, वो बुढ़े हैं रे, इंडिया में होते तो सास बहू की सीरियल देखते, इधर फॉरेन में क्या घंटा सास बहू, तो गॉसिप के लिए मटेरियल ढूंढते हैं। वहाँ एक टैटू का डिजाइन देखा मैंने, जो लड़की की गर्दन पे भी था। कायरा की वजह से जितने लोग मरे, इन बुजुर्गों का संबंध भी कहीं ना कहीं उनसे होगा। हाँ तो मैं क्या करूँ? उनका फोन नंबर मिल जाए तो पिछले आधे घंटे में उनकी कॉल्स की डिटेल्स निकाल सकते हो। काम छोटा है लेकिन दाम मोटा लूंगा। अब देख मत, रोकड़ा देगा तो अपना लैपटॉप खोलता हूँ, वरना मुझे बहुत काम है। डन, जस्ट डू इट। अरे फौजी, पिछले आधे घंटे में ना सिर्फ एक ही आउटगोइंग कॉल है, तुझे नंबर मैसेज किया देख। अबे मेरे अकाउंट से 50,000 डिडक्ट हो गए, उसका मैसेज आया मुझे। टेंशन मत ले, मेरे में आ गए, ये मेरी फीस है रे, जो मैंने पहले ही तेरे से वसूल कर ली। अगर आगे तूने मेरे को धोखा दिया तो ये देख मैसेज की घंटी, आ गया नंबर। बाप रे, ये कॉल तो उसी नंबर से आ रहा है यार। हेलो, सुन, चुपचाप फोन उसे पकड़ा दे। क्यों, मेरी आवाज पसंद नहीं आई? यू इडियट, जस्ट गिव इट टू हिम। ब्रेनलेस लूजर, जो कहा वो कर। तेरे को याद करी है, ले बात कर। हेलो कायरा। क्यों बे, फैमिली का बदला लेने इतनी दूर यहाँ लंदन चला आया? पॉलिटिकल पावर, पुलिस पावर, इन सब के रहते हुए बहुत ही आसानी से वहाँ आके उन्हें मार दिया। ये तो मेरा इलाका है, तुम्हें मारना तो पबजी खेलने जैसा होगा। हीरोगिरी छोड़ और चुपचाप लौट जा। दीपक मेहता कहाँ मिलेगा? दीपक मेहता, उसने तुमसे गद्दारी की, लेकिन मैं उससे गद्दारी नहीं करूँगी। मैंने तेरा नंबर ढूंढ लिया है तो तुझे ढूंढना कितना मुश्किल काम होगा। यू मीन कॉल ट्रैकिंग? इडियट, सिम कार्ड निकाल के तोड़ दूंगी तो किसे फॉलो करोगे? अब चाहो तो तुम अगले 10 साल तक लंदन की हर गली छान मारो, मुझे ढूंढना नामुमकिन है। मुझसे डर के तुम सिम कार्ड तोड़ के कहीं भी भाग सकती हो, पर मैं डरता नहीं। 9444131157 ये मेरा नंबर है, कल ट्रफेलगर स्क्वायर में तेरा वेट करूंगा। रेड कलर की टी शर्ट पहनी होगी, ढूंढ लेना मुझे। मेरे विल पावर के अलावा कोई और पावर नहीं होगा। ये इलाका तेरा, इसका घमंड है ना तुझे, तो आके दिखा। चल देखते हैं। क्या राग दे रही थी? मेरा साथ देने वाले हर टीम मेंबर को मार डालेगी। ओए, तेरी टीम में मैं ही तो हूँ, एक बुड्ढी का नंबर हैक करने की इतनी बड़ी सजा। देख भाई, ये तेरी जिम्मेदारी है, मुझे कुछ भी करके मरने से बचा ले। इसका एक ही रास्ता है तो बोलता पड़ तो। अभी तक आइडिया आया नहीं है। अबे बिना आइडिया के इस पंगे में डाल दिया। एक तो इंडिया में लेडी टीचर से खूब मार गई, और इधर भी, और मेरी जान की दुश्मन। ये ले भाई, हाँ तू भी ले, प्रिये ले ले। सुनो, सबका थोबड़ा मुझे याद है, पहन के इधर ही मंडराना, जो नहीं पहन के आएगा ना उसका नक्शा बिगाड़ दूंगा। ले पकड़ जल्दी ले, खाली मर्दों के लिए, औरतें गर्दी मत करो, चलो। हाँ हेलो सुभाष, टी शर्ट एक एक को बांट दिए मैंने। ये सोचा था अपने लोग ही खाली चीजों के लिए भूखे हैं, लेकिन ये गोरे लोग तो अपने भी बाप निकले। झील माफी छीना चिपटी ना कर दे। गोरों की बात छोड़ बे काली,
जो दो टी शर्ट अपने लिए रखी है ना तूने, चुपचाप डोनेट कर दे। आइला इसको कैसे पता चल गया? हाइट होने का यही फायदा होता है। चल निकाल लिए दोनों टी शर्ट, अब क्या करूँ? किसी को दे के वेट कर, मैं आता हूँ। रेड टी शर्ट,